फोर्ब्स ने सबसे अमीर भारतीयों की लिस्ट जारी कर दी है और गौतम अडानी ने भारत के सबसे अमीर शख्स का ताज हासिल किया है। उन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए नंबर एक की जगह हासिल की है। लिस्ट में कई बदलाव भी हुए। कंपनी की शेयर बाजार में शानदार लिस्टिंग की मदद से नायका की प्रमुख फाल्गुनी नायर ने पहली बार लिस्ट में जगह बनाई है। वहीं दूसरी तरफ स्टॉक के क्रैश होने हो जाने की वजह से पेटीएम के विजय शेखर शर्मा भारत के टॉप 100 अमेरिकी लिस्ट से बाहर हो गए हैं। शेयरों के दमदार प्रदर्शन की मदद से अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी देश के सबसे अमीर बन गए हैं। फोर्ब्स की लिस्ट के मुताबिक गौतम अडानी की संपत्ति करीब दोगुनी बढ़कर 150 अरब डॉलर हो गई है। वहीं साल 2013 से देश के सबसे अमीर शख्स के पद पर रहने वाले मुकेश अंबानी साल 2022 में 88 अरब डॉलर की दौलत के साथ दूसरे नंबर पर पिछड़ गए हैं। पिछले साल उनकी कुल संपत्ति 92.7 अरब डॉलर थी। फोर्ब्स की लिस्ट के मुताबिक देश के 100 सबसे अमीर लोगों की कुल संपत्ति 600 अरब डॉलर के करीब है और इसमें पिछले साल के मुकाबले 25 अरब डॉलर की बढ़त रही है।